दुर्ग के शिवनाथ नदी में लगातार जल स्तर बढ़ने को लेकर जिला प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। इस दौरान निगम आयुक्त ने नदी तट का पहुंचकर निरीक्षण किया। प्रदेश में लगातार हुई बारिश के चलते नदी नालों के जल भराव होने के साथ ही स्थानीय नदियों का भी जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग स्थित शिवनाथ नदी का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने प्रमुखता के साथ बैरिगेट लगाकर आने जाने वाले लोगों को रोक लगाया। इसी कड़ी में दुर्ग निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने शिवनाथ नदी पहुंच व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। नाथ नदी में क्योंकि वाटर लेवल ऊपर आया है, तो उसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से जहाँ नदी नया पारा वाला रोड है वहीं पे से ही रोक रहे हैं ताकि नदी तक लोग ना पहुंच पाए। फिर भी इसके रुक के कुछ लोग आ भी जा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ भी हम लोग आदमी लगा कर रखे हैं जो लोगों को बोल रहे हैं कि दूर रहें। साथ ही हमारा फिल्टर वो प्लांट है यहाँ पे, वाटर इंटेक प्लांट है, वहाँ भी हम लोग नजर रखे हुए हैं। कचरे वगैरह फंस रहे तो उसकी साफ सफाई के लिए भी इसी सब का निरीक्षण करने के लिए मैं आया। हाँ, ऐसा आपकी टीम उसी के लिए बुलवाया गया है कि जो टंकी है उसमें कुछ कचरे फंस गए हैं तो उसको निकाले ताकि हम लोग जो पानी में जो वो आ जाता है पॉलीथिन उसको हटा दें ताकि सुचारू रूप से पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सके। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।